नमस्कार, महिनान की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस खास कार्यक्रम में हम आपको कॉरपोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की वीकली राउंडअप देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉरपोरेट जगत की खबरों के साथ। पहली खबर, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सभी अवधि के लिए अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित लेंडिंग रेट यानी MCLR में बढ़ोतरी की है। बैंक ने MCLR को 3 साल बाद बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसा करने वाला ये देश का पहला बैंक नहीं है। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी MCLR में वृद्धि की है। निजी बैंकों में देखें तो एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी MCLR को बढ़ा चुके हैं। SBI ने MCLR में 0.1% की वृद्धि की है, पर बाकी तीनों बैंकों ने केवल 0.05% की ही बढ़ोतरी की है। SBI का MCLR 7% से बढ़कर 7.1% हो गया है, यानी अब कोई भी नया लोन इससे अधिक ब्याज पर ही मिलेगा। साथ ही दूसरी खबर में SBI की राजस्थान स्थित करौली ब्रांच में 11 करोड़ रुपए के सिक्के गायब होने की खबर सामने आई है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने जांच कर FIR भी दर्ज की है। 21 अप्रैल को SBI का शेयर करीब 1.5% चढ़कर बंद हुआ था। दूसरी खबर, LIC के IPO का बेसब्री से इंतजार कर रहे निवेशकों और पॉलिसी धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार LIC के IPO को 2 मई को लॉन्च कर सकती है। इससे निवेशकों को IPO की समय सीमा को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। सरकार की मार्च में इस IPO को लाने की योजना थी, पर रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इसे टाल दिया गया था। सरकार के पास सभी को नए दस्तावेज जमा किए बिना 12 मई तक IPO लाने का समय है, लेकिन LIC का वैल्यूएशन घटाकर लगभग आधा यानी 6 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है, जो कि 5.4 लाख करोड़ रुपए की एम्बेडेड वैल्यू का करीब 1.1 गुना होगा। सरकार 5% हिस्सा बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। इस IPO में 9,000 करोड़ रुपए का ग्रीन शू ऑप्शन भी लाया जा सकता है। ग्रीन शू ऑप्शन, बता दें आपको, अतिरिक्त हिस्सा बेचने का विकल्प होता है। LIC के IPO की सफलता सरकार के FY23 के 65,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफी अहम है, इसलिए निवेशकों की इस IPO में चांदी हो सकती है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। 18 अप्रैल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस पर मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले का आरोप लगाते हुए कंपनी की 757 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्ति में 412 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी और 36 बैंक अकाउंट्स के करीब 346 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस भी शामिल हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2003 से 2022 के दरमियान 27,562 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, जिसमें से 7,588 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में कंपनी के सदस्यों और डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट दिए गए। ईडी ने कहा कि कमीशन के चलते आम लोगों को काफी महंगे भाव पर उत्पाद बेचे जा रहे थे और सदस्य उत्पाद इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि अमीर बनने के लिए खरीद रहे थे, जिससे उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही थी। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। TCS और इंफोसिस जैसी दिग्गज IT कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अब बड़ी असमंजस के हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल 2 साल से सुस्त पड़े जॉब मार्केट में रिकवरी के संकेतों के चलते एक बार फिर जबरदस्त हलचल है। कंपनियां अनुभवी लोगों को बेहतर मौके तो दे रही हैं, लेकिन पुरानी कंपनी अपने कर्मचारियों को छोड़ने को तैयार नहीं है, खासतौर पर इंफोसिस और TCS जैसी दिग्गज कंपनियां। इन कंपनियों ने नॉन कम्पीट क्लॉज को अब और सख्ती से लागू कर दिया है। इसके तहत कोई भी कर्मचारी एक कंपनी छोड़ने के बाद प्रतिद्वंदी कंपनी में 6 महीने तक पहले वाले ग्राहक के लिए काम नहीं कर सकता है। दरअसल कंपनियों ने इसे सख्ती से लागू करना इसलिए भी शुरू किया है क्योंकि बीती तिमाही में इंफोसिस और TCS में एट्रिशन रेट यानी कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर काफी ज्यादा रही है। मार्च तिमाही में TCS का एट्रिशन रेट 17.4% रहा, जो कि पिछले साल सिर्फ 7.2% था। वहीं इंफोसिस में मार्च तिमाही में एट्रिशन रेट तो 27.7% पर पहुंच गया है, जबकि ये आंकड़ा पिछले साल करीब 11% के आसपास ही था। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने 21 अप्रैल को 2,789 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। इससे पहले 19 अक्टूबर 2021 को इस शेयर ने 2,751 रुपए के आसपास का रिकॉर्ड स्तर बनाया था। वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में दमदार नतीजों की उम्मीद से शेयर बीते एक हफ्ते में करीब 7.8% उछल चुका है। चौथी तिमाही में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल से कंपनी के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन यानी GRMs में बड़ा उछाल आने की संभावना है। साथ ही जियो के ARPU बढ़ने से टेलीकॉम कारोबार का प्रदर्शन भी मजबूत रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। नतीजों और कारोबार में मजबूती के दम पर विदेशी ब्रोकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फोकस लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसके अलावा RIL की सब्सिडरी रिलायंस ब्रांड्स ने फेमस फैशन ब्रांड अबू जानी संदीप खोसला में 51% मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की भी घोषणा की है। 21 अप्रैल को शेयर करीब 2.5% चढ़कर बंद हुआ था। छठी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर मामले से जुड़े उल्लंघन के चलते कुल 9 एंटिटीज पर 24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें दोनों भाइयों मलविंदर मोहन सिंह और शिवेंदर मोहन सिंह पर 5-5 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ
सिक्योरिटीज मार्केट से 3 साल के लिए बैन भी लगाया गया है। दोनों भाई किसी लिस्टेड कंपनी में की मैनेजरियल पोजीशन भी नहीं होल्ड कर सकते। साथ ही आरएचसी होल्डिंग्स पर 2.5 करोड़, फोर्टिस हेल्थ केयर पर 1 करोड़ और फोर्टिस हॉस्पिटल्स पर जुर्माने की रकम 50 लाख की है। इसके अलावा मालव होल्डिंग्स, शिवी होल्डिंग्स, गगनदीप सिंह बेदी और भवदीप सिंह पर 2.5 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल का बैन भी लगाया गया है। अक्टूबर 2018 में सेबी ने फोर्टिस हेल्थ केयर से दोनों भाइयों और एंटिटी से ब्याज के साथ साथ 403 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए अनिवार्य कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इन सब एंटिटीज ने प्रमोटर्स की कंपनी आरएससी होल्डिंग को फायदा पहुंचाने के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर से फंड्स की हेराफेरी की थी। 19 अप्रैल को फोर्टिस हेल्थ केयर का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था, पर 5 दिन में शेयर करीब 2% से ज्यादा चढ़ चुका है। सातवीं खबर, देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील ने रशिया के साथ कारोबार बंद करने की घोषणा की है। रूस के यूक्रेन पर हमले के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया है। हालांकि कंपनी का कोई कारोबार या कर्मचारी रूस में नहीं है, पर कंपनी अपने स्टील प्लांट के लिए रूस से कोयला इंपोर्ट करती है, जिस पर अब रोक लगा दी जाएगी। कंपनी ने कहा कि यूरोपीय संघ यानी EU रूस के साथ अपने कारोबारी रिश्ते खत्म करने जा रहा है और UK व नीदरलैंड्स में हमारे कारोबार इस फैसले का हिस्सा हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते इंफोसिस ने रूस से अपने कारोबार को शिफ्ट करने का ऐलान भी किया था। 21 अप्रैल को टाटा स्टील का शेयर करीब 0.5% गिरकर बंद हुआ था। आठवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। फ्यूचर ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों फ्यूचर रिटेल, लाइफस्टाइल, एंटरप्राइजेस, कंज्यूमर, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स और फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के शेयरधारकों और लेंडर्स दोनों ने ग्रुप के एसेट्स को स्लम सेल बेसिस पर रिलायंस रिटेल को बेचने पर मंजूरी के लिए इस हफ्ते वोटिंग की। चौंकाने वाली खबर में कंपनी के लेंडर्स ने अनिश्चितता का हवाला देते हुए रिलायंस के साथ डील के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके अलावा इस हफ्ते बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ NCLT में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी भी दाखिल की। दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने की अर्जी से फ्यूचर ग्रुप की रिलायंस रिटेल के साथ 24,700 करोड़ रुपए की इस डील पर कहीं ना कहीं असर होता हुआ दिखेगा और ये शायद ठंडे बस्ते में जाती हुई दिख सकती है। 21 अप्रैल को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर और फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर करीब 10% चढ़कर बंद हुआ था, पर लेंडर्स के फैसले के बाद 22 अप्रैल को शेयरों में मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। नौवीं खबर, HDFC ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी HDFC लिमिटेड HDFC कैपिटल एडवाइजर्स में 10% हिस्सा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA को 184 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा कर चुकी है। 2016 में स्थापित HDFC कैपिटल रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस प्राइवेट इक्विटी फंड्स मैनेज करने का कारोबार करती है। इसके अलावा HDFC लिमिटेड इस हफ्ते की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनियों की सूची से बाहर हो गई थी। 4 अप्रैल को HDFC बैंक के साथ मर्जर की घोषणा के 9 दिन में शेयर करीब 20% के आसपास लुढ़का है, जिससे HDFC लिमिटेड की मार्केट कैप में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। 10वीं खबर, बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने NBFC और बैंकों के बीच रेगुलेटरी गैप को कम करने के लिए NBFC के नियम और कड़े कर दिए हैं। रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कमर्शियल बैंकों की तर्ज पर एक्सपोजर सीमा तय कर दी है। RBI ने अपर लेयर वाली NBFCs के लिए किसी एक एंटिटी को कुल एक्सपोजर की सीमा कुल कैपिटल बेस के 20% पर तय किया है। किसी एक समूह के लिए यह सीमा 25% होगी। अगर एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है तो सीमा अतिरिक्त 10% और हो सकती है। कुल संपत्ति के हिसाब से टॉप 10 NBFCs को अपर लेयर NBFCs कहते हैं। RBI ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन ना होने पर NBFCs पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। 11वीं खबर, बीते 1 से 2 महीने में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं सामने आने से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही सवालों के घेरे में है और उसके ऊपर अब ओकिनावा ऑटोटेक की तमिलनाडु में एक शोरूम में आग लगने की घटना सामने आ गई है। माना जा रहा था कि अंदर खड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वजह से ये आग लगी है, पर कंपनी ने सफाई जारी की कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। पर आपको बता दें कि आग लगने की घटनाओं से कंपनी ने 16 अप्रैल को 3,215 प्रेस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को रिकॉल भी किया था। EV स्कूटर्स में बढ़ती घटनाओं के बाद सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद EV के लिए गाइडलाइंस भी जारी होंगी और जिन कंपनियों ने डिफेक्टेड वाहन रिकॉल नहीं किए उन पर भारी मात्रा में जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में गाइडलाइंस आने तक कंपनियों को दिक्कत वाले वाहनों को रिकॉल की प्रक्रिया पूरी करने की हिदायत भी दी गई है। 12वीं खबर, सरकारी बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक ने श्रेय ग्रुप की दोनों कंपनियों के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित कर दिया है। श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर कुल 1,234 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज बकाया है। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड पर 510 करोड़ और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड पर 724 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी बाकी है। इस कदम के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक इन दोनों कंपनियों के खातों को फ्रॉड घोषित करने वाला
पहला बैंक बन गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने यह भी बताया कि दोनों खातों की रकम पर बैंक ने पूरी प्रोविजनिंग पहले से ही कर रखी है। बीते 5 दिन में पंजाब एंड सिंध बैंक का शेयर 5% से ज्यादा लुटका है। 13वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को यूनियन बैंक के साथ विवाद सुलझाने के लिए नेशनल कंपनी एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT से एक और मौका मिल गया है। 25 मार्च को NCLAT ने सुपरटेक के खिलाफ यूनियन बैंक की दिवालिया याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुपरटेक ने इस याचिका को NCLAT में चुनौती दी थी। 12 अप्रैल को NCLAT ने सुपरटेक को बैंक के साथ विवाद सुलझाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। 19 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुपरटेक को NCLAT से एक और मौका मिला है। जनवरी 2021 तक सुपरटेक के ऊपर 432 करोड़ रुपए का बकाया है और इसे चुकाने के लिए सुपरटेक के प्रस्तावों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 4 बार ठुकरा चुका है। कोई अपफ्रंट अमाउंट ना होने और 24 महीने की अवधि में भुगतान के कारण सुपरटेक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। इस मामले में NCLAT में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। 14वीं खबर, टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर ने ब्लैक रॉक रियल एसेट्स के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम जिसमें मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी भी शामिल है के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत ये कंसोर्टियम टाटा पावर रिन्यूएबल्स में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इक्विटी और कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कंसोर्टियम को टाटा पावर रिन्यूएबल्स में करीब 10.5% हिस्सा मिलेगा, जिसके तहत कंपनी का वैल्यूएशन 34,000 करोड़ रुपए के आसपास आंका गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल्स में टाटा पावर का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार होगा, जिसमें सोलर, विंड और हाइब्रिड जनरेशन और कंस्ट्रक्शन शामिल है। आपको बता दें कि टाटा पावर की कोल बेस क्षमता को चरणबद्ध तरीके से हटाने और FY30 तक क्लीन व ग्रीन क्षमता को बढ़ाकर 80% तक करने की योजना है। 15वीं खबर, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लेलैंड यूज कमर्शियल व्हीकल कारोबार में उतरने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स के साथ एक करार भी किया है। इस डील के जरिए अशोक लेलैंड अपने डिजिटल इकोसिस्टम, भारत में फैले 700 से अधिक पार्किंग यार्ड और अन्य एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से अपने मौजूदा और पोटेंशियल चैनल पार्टनर्स का लाभ उठाकर यूज व्हीकल मार्केट को सुव्यवस्थित करना चाहती है। फिलहाल वाहनों के लिए बढ़ते वेटिंग पीरियड और वित्तीय चुनौतियों के कारण महामारी की शुरुआत के बाद से री ऑन्ड या रीपर्पस व्हीकल सेक्टर में एक्सपोनेंशियल और निरंतर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 18 अप्रैल को खबर आने के बाद शेयर 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 16वीं खबर, कर्ज से जूझ रही रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स ने कंपनी के रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान यानी RFRP को अंतिम रूप दे दिया है। रेजोल्यूशन प्लान को अंतिम मंजूरी इस हफ्ते मिल सकती है। RFRP डॉक्यूमेंट में कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान के सबमिशन और इवैल्यूएशन से जुड़ी सारी गाइडलाइंस हैं, जो बोली जमा करने वाली कंपनियों के साथ भी साझा कर दी गई है। इससे इन सभी कंपनियों को वित्तीय बोलियां जमा करने के दिशा निर्देश मिलेंगे। 18 अप्रैल को रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% के निचले सर्किट पर जाके बंद हुआ था। 17वीं खबर, फेमस स्कूटर ब्रांड LML वेस्पा से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। दरअसल वेस्पा को बनाने वाली कंपनी LML की ई हाइपर बाइक्स के जरिए भारत में दोबारा वापसी करने की योजना है। LML की सितंबर 2022 में 3 नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लॉन्च करने की योजना है। कंपनी ने भारत में लॉन्च करने के लिए जर्मनी की कंपनी ई रॉकेट सिस्टम्स के साथ करार भी किया है। इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स और मोटरसाइकिल्स के कॉम्बिनेशन वाली पेडल से चलने वाली इन हाइपर बाइक्स की 2023 की शुरुआत में भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। अगली खबर, पिगमेंट बनाने वाली कंपनी असाही संगवन कलर्स ने एटलस लाइफ साइंसेस का अधिग्रहण कर लिया है। बल्क APIs के उत्पादन से जुड़ी कंपनी के अधिग्रहण से असाही संगवन की फार्मा सेक्टर में एंट्री हो गई है। दरअसल कंपनी ने 48 करोड़ रुपए में एटलस लाइफ साइंसेस का 78% हिस्सा खरीदा है। बाकी बचा 22% हिस्सा 11% के 2 चरणों में 2025 तक यानी अगले 2 वित्त वर्षों में किया जाएगा। 19 अप्रैल को शेयर 6% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ, पर बीते 1 महीने में करीब 20% के आसपास चढ़ चुका है। 19वीं खबर, इनियो स्टाइलोल्यूशन के प्रमोटर्स ने बाजार को चौंकाते हुए इस हफ्ते OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए 14.4% हिस्सा बेचने की घोषणा की। इस OFS का फ्लोर प्राइस 800 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि 18 अप्रैल की क्लोजिंग से 25% डिस्काउंट पर था। गौरतलब है कि 75% हिस्सेदारी होने के बावजूद प्रमोटर्स के हिस्सा बिक्री की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। OFS में संस्थागत निवेशकों का हिस्सा लगभग 1 गुना और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ा। 19 अप्रैल को शेयर में 20% का निचला सर्किट लगा और 20 अप्रैल को शेयर ने 810.90 रुपए के 52 हफ्ते के निचले स्तर को भी छुआ। बीते 5 दिन में शेयर करीब 25% के आसपास टूट चुका है। 20वीं खबर, VRL लॉजिस्टिक्स ने रत्ना सीमेंट्स लिमिटेड यानी RCL को अपना विंड पावर कारोबार ट्रांसफर करने के लिए करार किया है। इस करार के तहत विंड पावर कारोबार की सारी संपत्तियां और कर्ज भी इस डील में शामिल होगा। RCL ने 31 जुलाई तक पूरे होने वाले सौदे के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि टोकन के रूप में दी है। इस डील के तहत VRL लॉजिस्टिक्स को कुल 48 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी।
कंपनी ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के कोर और मुख्य कारोबार पर फोकस करने के लिए यह सौदा किया है। 20 अप्रैल को खबर आने के बाद शेयर 3.5% उछला और 21 अप्रैल को शेयर ने 658.70 के रिकॉर्ड स्तर को भी छुआ। आखिरी खबर, अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने अपनी एक सब्सिडरी अदानी हार्बर सर्विसेज के जरिए मरीन सर्विसेज देने वाली कंपनी ओशन स्पार्कल का पूरा 100% हिस्सा खरीद लिया है। दोनों कंपनियों में यह सौदा 1700 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में तय हुआ है, पर ओशन स्पार्कल के पास 300 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी भी है। 94 खुद के और 13 थर्ड पार्टी ओन्ड वेसल्स के साथ ओशन स्पार्कल मार्केट लीडर है। वह टॉयज, पायलटेज और ड्रेजिंग के कारोबार में है। 22 अप्रैल को सौदे के बाद अदानी पोर्ट्स के शेयर में कमजोर बाजार में भी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत की बड़ी खबरें। आइए अब जानते हैं स्टार्टअप जगत की खबरें। पहली खबर की ओर फोकस करते हैं। 2025 तक भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़कर 2050 के पार होने का अनुमान है। ये अनुमान इन्वेस्टमेंट फंड आयरन पिलर ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में जारी किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2021 में रिकॉर्ड 43 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। आयरन पिलर के मुताबिक बीते 15 महीनों में देश में कुल यूनिकॉर्न्स की संख्या 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 130 पर पहुंच गई है और जनवरी 2019 से अब तक 100 के करीब स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न बनने में लगने वाले समय में भी कमी आई है। 50% स्टार्टअप्स को कारोबार शुरू करने के बाद 5 साल से कम, 34% को 7.5 से 10 साल, 10% को 5 से 7.5 साल और केवल 6% को 10 साल से ज़्यादा समय लगता है यूनिकॉर्न बनने में। आपको बता दें कि $1 अरब का वैल्यूएशन हासिल करने वाले किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा मिलता है। दूसरी खबर, EPNS ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $1 करोड़ की रकम जुटा ली है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व जंप क्रिप्टो ने किया। इसके अलावा टाइगर ग्लोबल, पैराफाई, साइन ग्लोबल कैपिटल, पॉलीगन स्टूडियोस, वुडस्टॉक वेंचर्स, DCX वेंचर्स और अल्फा वेव कैपिटल ने भी फंडिंग में हिस्सा लिया। मौजूदा फंडिंग राउंड के बाद EPNS का वैल्यूएशन बढ़कर $13.1 करोड़ हो गया है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। फिनटेक स्टार्टअप हबल ने सीड फंडिंग राउंड में $35 लाख की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व सिकोया कैपिटल ने किया। मौजूदा फंडिंग राउंड में कुछ एंजल निवेशकों ने भी हिस्सा लिया है। एंजल निवेशकों में स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बहल और इंडिया पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर सतीश आंद्रा भी शामिल थे। चौथी खबर, जोमैटो और स्विगी ने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अर्बन पाइपर के सीरीज बी फंडिंग राउंड में $2.4 करोड़ का निवेश किया है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व सिकोया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल जैसे मौजूदा निवेशकों ने किया, पर जोमैटो और स्विगी जैसे नए निवेशकों ने भी इस राउंड में भाग लिया। यही नहीं, ताज़ा राउंड में कुछ एंजल निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। एंजल निवेशकों में पंकज चड्डा, अंकित नागौरी, साहिल गोयल, विशेष खुराना, खादिम भाटी और वरा कुमार शामिल थे। रकम का इस्तेमाल प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग टीम के विस्तार पर होगा। अर्बन पाइपर का प्लेटफॉर्म 8 देशों में 27,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट लोकेशंस पर मौजूद है। कंपनी की अपने प्लेटफॉर्म को भारत, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका और यूरोपीय देशों में 2 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट लोकेशन तक लेकर जाने की मंशा है। पांचवी खबर, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन DCX ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $13.5 करोड़ या $1,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। इस फंडिंग का नेतृत्व पेंटेरा और स्टेडव्यू ने किया। फंडिंग राउंड में किंग्सवे, रिपर ड्रैगन, रिपब्लिक और काइंडरेट के साथ साथ बी कैपिटल ग्रुप, कॉइनबेस, पॉलीचेन और कैडेंजा जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। इस फंडिंग राउंड के बाद कॉइन DCX का वैल्यूएशन $2.15 अरब के पार निकल गया है। इस तरह कॉइन DCX देश की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी कंपनी बन गई है। फंडिंग का इस्तेमाल नए कर्मचारी जोड़ने के अलावा अवेयरनेस क्रिएट करने के ऊपर भी किया जाएगा। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। स्पाइसजेट के प्रमोटर और MD अजय सिंह ने Flabo.in के नाम से हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक स्टार्टअप शुरू किया है। स्पाइसजेट के चीफ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ऑफिसर आशीष विक्रम इस कंपनी के CEO होंगे। कारोबार के पहले साल में फ्लेबो कुल $2 करोड़ का निवेश करेगी। ये कंपनी मेडिकल डायग्नोस्टिक्स लैब्स को सैंपल कलेक्शन से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक अपने पसंदीदा लैब से हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक टेस्ट की बुकिंग करा पाएंगे। वहीं डायग्नोस्टिक लैब्स लोकल एरिया के बियॉन्ड अपने रीच बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिलहाल फ्लेबो ने दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में कारोबार शुरू किया है। सातवीं खबर, B2B मार्केटप्लेस इंडिया मार्ट ने सुपर प्रक्योर में 7.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी ट्रेडजील ऑनलाइन के जरिए कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को खरीद कर ये निवेश किया है। इससे पहले इंडिया मार्ट ने सुपर प्रक्योर के सीड फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया था। सीड फंडिंग राउंड में करीब 11 करोड़ रुपए के आसपास का कुल निवेश किया गया था, जिसमें से कुछ सेकेंडरी शेयर्स भी कंपनी की ओर से खरीदे गए थे।
सुपर प्रक्योर एक इंटीग्रेटेड सास लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है जो किसी कंपनी के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की फ्रेट सोर्सिंग और डिस्पैच मॉनिटरिंग सिस्टम को डिजिटाइज करता है। ये प्लेटफॉर्म कंपनी के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स को ट्रांसपेरेंट बिडिंग और ऑक्शन रूट के जरिए बेस्ट पॉसिबल रेट्स ढूंढने में मदद करता है, जिससे खर्चों में बचत हो सकती है। आठवीं खबर, B2B ई कॉमर्स दिग्गज उड़ान ने $20 करोड़ से ज्यादा के डेट फाइनेंसिंग राउंड में माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हो गई है। उड़ान के CFO आदित्य पांडे द्वारा कर्मचारी को जारी नोट में ये सामने आया है। दरअसल उड़ान ने अक्टूबर 2021 में कन्वर्टेबल नोट्स लॉन्च किए थे, जिसमें MNG पोटेंशियल, केसर परमेंटे, नोमूरा, TOR, अरेना इन्वेस्टर्स, समेना कैपिटल और ईशान कैपिटल ने हिस्सा लिया था। इस राउंड को 2 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है, जिससे कंपनी ने कुल $22.5 करोड़ जुटाए हैं। इससे कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत होगी। उड़ान अगले 12 से 18 महीने में IPO लाने पर भी विचार कर रही है। नौवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म हेडफोन ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $1 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व एलिवेशन कैपिटल ने किया। इस फंडिंग राउंड में मौजूदा निवेशक हैशर्ट के अलावा कुछ एंजल निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। एंजल निवेशकों में हॉटस्टार के फाउंडिंग CEO अजीत मोहन, एंटरटेनर बिस्वा कल्याण रथ और गूगल के ग्रुप PM अंशुमणि रुद्र ने भी हिस्सा लिया। हेडफोन फिलहाल हिंदी में कंटेंट ऑफर करता है। नई पूंजी का इस्तेमाल अलग अलग भाषाओं और शैलियों में विस्तार करने पर किया जाएगा। दसवीं खबर, B2B फिनटेक प्लेटफॉर्म रेकर क्लब ने सीड फंडिंग राउंड में $3 करोड़ की रकम जुटा ली है। ये देश के सबसे बड़े सीड फंडिंग राउंड में से एक है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी InfoEdge के अलावा सिलिकॉन वैली फंड विलेज ग्लोबल ने किया। IIM कलकत्ता के एलुमनाई अभिनव शेरवाल और एकलव्य गुप्ता द्वारा 2021 में स्थापित रेकर क्लब कंपनियों को अपने ग्राहकों से भविष्य में होने वाली आय को छोटे डिस्काउंट पर ट्रेड करने की सुविधा देती है। इससे कंपनियों को 48 घंटों में कैपिटल अपफ्रंट मिलने में मदद होती है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और नतीजों के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बड़े बदलाव किए हैं, आइए देखते हैं।